बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आप लोगों के लिए एक बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हमने बनाया है क्रीम ऑफ मशरूम सूप, जिसे हमने फ्राइड ब्रेड के साथ जो है सर्व किया है। इसे ओरिजिनली क्रूटॉन्स के साथ सर्व किया जाता है। आज कराची में बहुत ज़्यादा अच्छी ज़बरदस्त वाली सर्दी है, दिल में आया कि क्यों ना एक सीज़न किया जाए जिसके अंदर हम काफ़ी सारे सूप्स आपके साथ शेयर करें। तो आगे फर्दर मैं इसके अंदर 4-5 और वैरायटी लेकर आऊंगी सूप्स की। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए, चलिए आइए सबसे पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। 250 ग्राम्स जो है मैं इसके अंदर फ्रेश मशरूम यूज़ कर रही हूँ। आप इसके अंदर केन भी यूज़ कर सकते हैं। वाइट बटन मशरूम जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, और कभी कभार बटन मशरूम जो है उसके अंदर इस तरीके से कहीं कहीं दाग होता है, तो हमको इसको किस तरह काटना है। यह हमने इसका डंठल अलग कर लिया, इसे हमने चॉप कर लिया, और फिर ये जो ख़राब हो रहा है इसको हमने यहाँ से पकड़ के इस तरह से छीलना है जैसे कि हम अदरक को छीलते हैं। वो चीज़ें जो हम इसके अंदर मशरूम के अलावा इस्तेमाल करेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून इसमें मक्खन जाएगा और 2 टीस्पून इसके अंदर ऑयल जाएगा, एक बड़े साइज की चौकी हुई प्याज या थोड़े दरमियाने साइज़ की चॉपकी हुई बारीक चॉपकी हुई प्याज जाएगी, 2 डंडियाँ आल की प्याज लेके उसमें हरा पोर्शन मैंने अलहदा बारीक चॉप कर लिया है, और लंबाई में काट के जूलियन वाइट पोर्शन मैंने अलग काट लिया है। ये गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल होगा, ये भी मैं इसमें डालूंगी। 4 जवे लहसुन के बिल्कुल फाइन चॉप कर लिए हैं मैंने। नमक और कुटी काली मिर्चें, ये हस्बे जायका इस्तेमाल होंगी, मैं लास्ट में एडजस्ट करूंगी, आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 2 कप इसके अंदर यखनी है, यानी 500 ml है। इसके अलावा इसमें 3 टेबलस्पून मैदा है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर क्रीम ली थी, 200 ml का इसके अंदर पैकेट था, उसके अंदर मैंने 50 ml दूध डाल के इसको 250 ml कर लिया। आप चाहें तो पूरा 250 ml क्रीम ले लें, या दूध और क्रीम को हाफ हाफ कर लें। तो 2 टेबलस्पून ऑयल लेके उसी के ऊपर मैं बटर डाल रही हूँ, और अब इसे हम मेल्ट कर लेंगे। बटर मेल्ट हो गया है, इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे और उसे सॉफ्ट कर लेंगे, यानी कि सॉटे कर लेंगे। आज मीडियम लो के ऊपर रहेगी। प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गई है, ट्रांसलूसेंट हो गई है बिल्कुल। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी गार्लिक चॉप किया हुआ, इसे भी हम 1 से 2 मिनट जो है इसके साथ ही सॉटे करेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट गार्लिक को भी मैंने सॉटे कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी मशरूम, अब हम इन्हें मीडियम फ्लेम के ऊपर चमचा चलाते हुए इतनी देर भुनेंगे, यानी कि सॉटे करेंगे कि इनका तमाम पानी रिलीज हो जाएगा थोड़ी देर में, और फिर वो पानी हम ड्राई भी कर लेंगे। तकरीबन इसमें 6 से 8 मिनट का टाइम लगेगा। तो देखिए, मैंने बीच में खोला है इसको, और मशरूम को पकते हुए 5 मिनट हुए हैं, और देखिए कितना सारा पानी इसमें से रिलीज हो गया है। इस सारे पानी को हमने रिड्यूस करके पूरा ड्राई कर लेना है, ताकि इसका रॉ फ्लेवर जो है और जो एक अलग तरीके का अरोमा होता है मशरूम्स के अंदर, वो तमाम का तमाम गायब हो जाए। तो तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं, और ये बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है, बल्कि हल्का सा नीचे पेले में इस वक्त ये चिपकने ही लगेगा जब आपने इसके अंदर मैदा डालना है। अब हम इसके अंदर ये मैदा डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे, धीमी आंच करके मैं मैदे को भी भूनूंगी मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, ताकि मैदे का कच्चापन जो है वो भी खत्म हो जाए। दो से तीन मिनट मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है। कोशिश करनी है कि ये लगे नहीं, और ये जो थोड़ा सा लगा है ये अभी निकल जाएगा जब हम इसके अंदर यखनी और क्रीम डालेंगे। इस वक्त आपने विस्कर जो है वो अपने पास रखना है, और इसके अंदर हम डालेंगे यखनी। तकरीबन 2 ग्लास के करीब, यानी 500 ml मैं इसके अंदर यखनी डाल रही हूँ। आँच बिल्कुल स्लो है, स्लो आँच के ऊपर मैं इसे पहले मिक्स करूंगी, और फिर आँच जो है वो फिर से मीडियम के ऊपर ले आऊंगी।
तो अब मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसमें नमक, काली मिर्ची अभी तक मैंने कुछ नहीं डाली थी, अब मैं इसके अंदर नमक काली मिर्ची डालूंगी, लेकिन इसको एडजस्ट हमने लास्ट में ही करना है। तो तकरीबन मैं इसके अंदर आधा टीस्पून नमक डाल रही हूँ और आधा टीस्पून ही मैंने इसके अंदर कुटी काली मिर्च डाली है। मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से, आंच को थोड़ा सा मीडियम पे ले आते हैं। तो इसके अंदर एक जोश आ गया है, अब जोश आने के बाद मैं इसे 5 मिनट कवर करके बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर पकाऊंगी। तो 5 मिनट और गुजर गए हैं, सूप हमारा बिल्कुल तकरीबन रेडी के ऊपर है। अब इसमें से 2 हिस्से सूप निकाल के और मैं जग में डालूंगी और उसे ग्राइंड कर लूंगी। स्टोव जो है वो मैं इस वक्त ऑफ कर रही हूँ, तो मैं इसको ग्राइंड करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो सूप को वापस पतीली में डाल के मैंने एक जोश दे लिया है, आंच बिल्कुल धीमी है। इस वक्त हम इसके अंदर डाल देंगे क्रीम और दूध का ये मिक्सचर, अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हम आंच फुल करके सिर्फ एक जोश देंगे और सारी चीजों को एडजस्ट करेंगे और बस हमारा सूप रेडी हो जाएगा। ये मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, इसके अंदर मैं बिल्कुल थोड़ी सी ग्रीन अनियन डाल रही हूँ, थोड़ी सी गार्निशिंग के वक्त डालूंगी। तो हमारा मज़ेदार क्रीम ऑफ मशरूम सूप बिल्कुल रेडी है। इसे क्रोटॉन्स के साथ सर्व किया जाता है, लेकिन हमने जो है डबल रोटी को स्क्वायर में काट के और उसे फ्राई कर लिया ऑयल में। तो ये क्रिस्पी ब्रेड के जो चंक्स हैं ये भी बहुत मज़ेदार लगते हैं इसके साथ, तो ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनके नीचे लाइक का बटन प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा फेसबुक पेज चेक कर लीजिए, वहाँ आपको काफ़ी रिटर्न रेसिपीज मिल जाएंगी। अपने कमेंट्स में अपने सजेशंस और अपने व्यूज़ मुझसे शेयर करते रहिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।